रीडिंग की राजधानी लंदन में अंडरग्राउंड ट्रेन में धमाका हो गया। धमाका पार्सल्स ग्रीन अंडरग्राउंड स्टेशन पर हुआ। साउथ वेस्ट लंदन में आने वाले इस इलाके की जांच शुरू कर दी गई है। उत्तर कोरिया ने अमेरिकी और संयुक्त राष्ट्र समेत दुनिया के देशों की चेतावनी को दरकिनार करते हुए फिर से बैलिस्टिक मिसाइल दागी है। ये मिसाइल जापान के ऊपर से गुजरी और प्रशांत महासागर में जा गिरी। जेल सुधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 2012 के बाद जेल में अप्राकृतिक मौत का शिकार हुए कैदियों के परिवार वालों की पहचान के लिए संज्ञान ले और परिजनों को उचित मुआवजा दिला। पाकिस्तान एक बार फिर से सीमा पर सीजफायर का उल्लंघन किया है। इस दौरान बीएसएफ का जवान विजेंद्र बहादुर शहीद हो गया। इसके साथ ही बीएसएफ के जवानों ने शहीद को श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारत को बार बार 56 इंच का सीना दिखाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि सीमा से जुड़े मुद्दों को व्यापक तरीके से संभालना होगा। प्रद्युम्न के माता पिता से मिले सीएम खट्टर। मुलाकात के बाद सीएम खट्टर ने सीबीआई जांच के दिए आदेश। कहा, लोगों की मांग को देखते हुए सीबीआई जांच को तैयार जांच एजेंसी को भेजा जाएगा पत्र। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हरियाणा डिजिटल समिट में शिरकत के दौरान उन्होंने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए पैन कार्ड आधार को लिंक किया गया। रविशंकर प्रसाद का कहना था कि ड्राइविंग लाइसेंस को भी आधार से लिंक करने की योजना है। राम जन्मभूमि मामले के पक्षकार और निर्मोही अखाड़े के महंत भास्कर दास का अयोध्या में निधन हो गया। दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हुआ। बता दें कि वो लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। राम रहीम के खिलाफ हत्या के दो मामलों में आज होगी सुनवाई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी पेशी। साध्वियों के यौन शोषण मामले में 20 साल जेल की सजा काट रहे डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। बलरामपुर में देहात कोतवाली की पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तस्करी के लिए ले जाई जा रही 87 भैंसों को बरामद कर लिया। चार ट्रकों पर इन भैंसों को महाराजगंज तराई थाना क्षेत्र से ले जाया जा रहा था।